जिले के सभी जिम संचालक एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिले में सभी जिम संस्थान प्रारंभ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी जिम संचालक एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिले में सभी जिम संस्थान प्रारंभ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर साजिद कुरैशी ने बताया कि जिम का व्यवसाय एक मध्यम वर्गीय व्यवसाय है जो करीब 2 महीने पहले से लॉकडाउन के कारण प्रतिबंधित है, जिसको लेकर आज सभी जिम संचालकों ने जिम प्रारंभ करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के डॉक्टर साजिद कुरैशी, अर्जुन पंडित, इमरान पठान, अरबाज खान, महबूब खान, पवन पटेल, अर्पित घनेटवाल सहित कई जिम संचालक मौजूद थे। डॉक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं जो कि सभी जिम नीमच जिले के जो चल रहे हैं, अधिकतर जिम किराए पे है और बहुत सारे जिम वालों ने बैंकों से लोन ले रखा है, जो कि किराया भरना जिम वालों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है और इसमें कोई रियायत भी नहीं मिल रही है और जिम करीब 2.5 महीने से बंद हैं और सभी जिम वाले यह चाहते हैं कि एक बार कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी तक यह आदेश, हमारा यह निवेदन जाए ताकि जिम सुचारू रूप से चालू किया जा सके। नीमच जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सचिव ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं सभी जिम जो है वापस से चालू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जिम के अंदर समस्या ये है कि जो है किराए पे भी हैं और बैंकों को लोन भी हैं, 2 महीने हो गए हैं और बहुत से जन स्वास्थ्य के लिए बड़े चिंतित हैं। उन सभी के लिए जो है हम आवेदन देने के लिए आए हैं और इसके अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और हम जिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे।